देवबंद में विरोधियों पर जमकर बरसे सीएम योगी, कहा पिछली सरकार आतंकियों के मुकदमे वापस लेती थी, हम आतंकियों को ठोकने के लिए एटीएस सेंटर बना रहे हैं। सीएम योगी ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा जब माफिया पर कार्रवाई होती है तब इनको पीड़ा होती है, कांवड़ चलती है तब भी उनको पीड़ा होती है, उनकी संवेदनाएं माफियाओं के साथ है। सीएम योगी ने दी 3200 करोड़ की योजनाओं की सौगात, नगरीय विकास विभाग के कार्यक्रम में बोले पहले यूपी के शहरों में होती थी गंदगी, अब स्वच्छता रैंकिंग में यूपी के 5 शहर टॉप 10 में। यूपी में फिलहाल नहीं लगेगा वीकेंड लॉकडाउन, टीम 9 की बैठक में हुआ फैसला, नए नियम 6 जनवरी से होंगे लागू, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा। पूर्वी यूपी से हो यूपी चुनाव की शुरुआत, सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से लखनऊ में मुलाकात कर आग्रह किया। सूत्रों के अनुसार चुनाव आयोग 10 जनवरी से 14 जनवरी के बीच विधानसभा चुनाव का ऐलान कर सकती है, चुनाव की घोषणा के बाद उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। लखनऊ में स्कूलों में भी लगेगी वैक्सीन, कुछ स्कूलों में बनाए गए टीकाकरण केंद्र, स्कूल के बच्चों को नहीं जाना पड़ेगा वैक्सीनेशन सेंटर। कुशीनगर से करीब 50 लाख का गांजा बरामद हुआ, लखनऊ एसटीएफ और कुशीनगर पुलिस ने की कार्रवाई, दो